एक पक्षीय बात मत कीजिए, ठीक है? जब उसके लिए संविधान नहीं है तो सिर्फ हम संविधान मानने वाला ठीका लिए हुए हैं। अबू यादव जी धमकी दिए हैं तो एक्शन टू रिएक्शन तो मिलेगा ही। आप इतना बड़े बहुत बड़ा जब आप नेता है तो नेतागिरी वाला काम कीजिएगा कि किसी गुंडा को धमकी देते चलिएगा कि इसको 24 घंटा में दो कानून के नजर में अभी कुछ नहीं साबित। एक केस में 12 गुम तो बेल हो ले चुका है, 33 गुम 12 गुम बेल है। अभी के डेट में देशभक्त बनल है, जीरो का फौज बता रहे थे आज क्या हुआ भाप ससर गुंडा बोले। हाँ दो जगह इसीलिए भाप का ऐसा सर रहा है, काहे लेटर लिख रहे हैं। जो देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है उसको वो सुलाता है। देखिए हम इस बात को नहीं मानते हैं कि जिम्मेदारी कोई ले लिया, हम भी जिम्मेदारी ले लें कि आपको मार दिए हैं। सच्चाई जब तक क्लियर नहीं आएगा सामने से ये कहना किसी के लिए भी गलत है। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है, उसके बाद पप्पू यादव जो है वो गुस्से से तिलमिला जाते हैं और लॉरेंस बिश्नोई को चैलेंज कर देते हैं। कहते हैं एक जेल में बैठा व्यक्ति कैसे आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है, इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके समर्थन में है, संरक्षण में है। अब उसके बाद आपको बता दें कि उसके बोलने के बाद पप्पू यादव जो है मुंबई 24 तारीख को गए थे, चैलेंज दिया था पप्पू यादव ने कि मैं 24 तारीख को मुंबई आ रहा हूँ, जो करना है कर लो। पप्पू यादव तो वहाँ से चले आए फोटोशूट करवा करके, लेकिन आज पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने जो है वो धमकी दिया है, यानी पूर्णिया के जो निर्दलीय सांसद उनको धमकी मिली है। जनता के बीच है, जनता से जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग जो है आखिर इतनी कैसे बढ़ गई कि वो एक निर्दलीय यानी कि चुने हुए प्रतिनिधि को भी धमकी देने से बाज नहीं आ रहे हैं। और कहा जा रहा है इससे पहले कि बाबा सिद्दीकी की उन्होंने हत्या कर दी है उनके लोगों के द्वारा, जनता से जानते हैं क्या कहिएगा। पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के द्वारा धमकी मिल रही है, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? सबसे पहले तो पप्पू यादव ये गलती किए हैं कि सलमान खान का बाबा सिद्दीकी का सपोर्ट करके जो लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ में बोले। लॉरेंस बिश्नोई बाबा सिद्दीकी का अगर मर्डर करवाए तो कहाँ तक गलत करवाए? का बाबा सिद्दीकी बिल्कुल दूध के धुले हुए थे? कोई अपराध हिंसा का बढ़ावा कैसे दे रहे हैं? का बाबा सिद्दीकी आज तक कोई अपराध नहीं किए थे? हाँ या नहीं? हम तो नहीं बोल रहे थे, हम साबित करने वाले कौन होते हैं? हाँ, साबित किए थे, किए हैं। अगर बाबा सिद्दीकी अपराध किए हैं तो अपराध का सजा अपराध अपराध तो इसका मतलब भारत से न्यायालय बंद कर देना चाहिए। अच्छा एक बताइए, पहले बात बिल्कुल भारत में न्यायालय बंद में आप लोग बोलते हैं जब वो गलती कर देता है, इधर से जब रिप्लाई मिलता है तो बोलते हैं संविधान नहीं है, संविधान से आपको विश्वास उठ गया, न्यायालय से विश्वास उठ गया। ये बात बताइए जब हमारे ऊपर जब होता है तो उसको उस संविधान को नहीं मानता है वो जब करने से ना इससे पहले करने से ना कर राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी उसने मारा ऐसा आरोप लगा है। एक पक्षीय बात मत कीजिए, ठीक है? जब उसके लिए संविधान नहीं है तो सिर्फ हम संविधान मानने वाला ठीका लिए हुए हैं। वो कहे नहीं मानता है संविधान को, वो कहे नहीं मानता है प्रशासन को, वो कहे नहीं मानता है सचिवालय को, वो कहे नहीं मानता है न्यायालय को। सुनिए इससे पहले करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी गोली मारी गई, उसका भी समर्थन आप करते हैं क्या? बिल्कुल अगर गलत है, अगर गलत आप जज करिएगा, आप जज करिएगा, आप जज है, आप सुप्रीम कोर्ट है, आप कोर्ट है, आप न्यायालय है क्या? नहीं अगर गलत किया है, गलत के गलत नहीं होगा। अगर कहीं ना कहीं गलत करनी सेना का नेता सुखदेव सिंह का अगर मर्डर किया गया है तो उसके पीछे जांच हो रहा है ना जी, जांच हो रहा है, जांच हो। सुनिए गलत तो आसाराम राम रहीम भी, उसको कब गोली मरवाइएगा? मारेगा मारेगा जाए लड़कियों का जो इज्जत आप उनके साथ खेल गया उसको कब? सुनिए सुनिए लॉरेंस बिश्नोई के लॉरेंस बिश्नोई के अंदर जो भी बात आएगा कि हमारे धर्म हमारे आस्था हमारे समाज से खिलवाड़ हो रहा है तो उसको खत्म करेगा। आसाराम राम रहीम हजारों सैकड़ों लड़कियों का बलात्कार कर दिया, वो धर्म से बड़ा नहीं है, वो लॉरेंस बिश्नोई के अंदर में नहीं आता। उसको बलात्कार करो लॉरेंस बिश्नोई बचा लेगा, वो अपने उसको अपने अंदर नहीं लिए लॉरेंस बिश्नोई, उनको सलमान खान। आप जो है जो जिसकी हत्या हो रही है आप उसका समर्थन कर रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन कर रहे हैं? लॉरेंस बिश्नोई सबसे पहले बाबा सिद्दीकी को मर्डर किए, बाबा सुखदेव के मर्डर किए। अगर गुंडा है कि नहीं? गुंडा कैसे? गुंडा उसको बोल दीजिएगा, जब क्रिमिनल को क्रिमिनल, गुंडा को गुंडा, क्या बोलेंगे? नहीं गल जब सही बाबा सिद्दीकी को मर्डर करवा के सही किया है, मतलब गुंडा को गुंडा नहीं बोलना है कैसे? वो अभी अभी के डेट में देशभक्त बनल है। अरे बाप रे, मतलब मर्डर करो देशभक्त बन जाओ। लॉरेंस बिश्नोई का आज के डेट में हम हीरो मानते हैं, हीरो मानते हैं, गुंडा का हीरो मानते हैं? नहीं हीरो मानते, गुंडा आप, गुंडा तो है ना, गुंडा आप कहिएगा, हम नहीं कहेंगे। बिल्कुल गुंडा कहेंगे, हम तो गुंडा ही हैं, थोड़ी डर रहे हैं, कहेंगे हम नहीं कहेंगे। आपके नजर में हीरो है लेकिन हमारे नजर में गुंडा है, देश के नजर में गुंडा है, कानून के नजर में गुंडा है, संविधान के नजर में गुंडा है, हर एक मामले में गुंडा है जी। मुनव्वर फारूकी
बहुत अच्छा काम किया था, उसको कौन सजा मिला? उसको उसके लिए संविधान न्यायालय कहाँ गया था? जो खुले मंच पर आके और हिंदू देवी देवता का मजाक उड़ाया था, बिल्कुल सही आपका कहना, सुन लीजिए, उसको धमकी मिला तो भी बोलिएगा गलत है? हम गलत और सही हम बार बार बोल रहे हैं कि गलत और सही न्यायालय फैसला करेगा, हम नहीं होते ये चीजवा। तो फिर आपका जो कन्हैया लाल को जो गर्दन काट दिया, उसको भी तो जो उसके ऊपर जो वीडियो बनाया था कन्हैया लाल, उसको भी संविधान देता ना सजा, उसको क्यों गर्दन काट दिया गया? जेल गया ना, जो गलत किया जेल गया ना, हाँ या ना? काहे मार दिया? जेल के अंदर है, अरे मार जेल गया ना, तो वो नहीं जल जाता कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार जेल नहीं जाता? उसको संविधान पर भरोसा नहीं था? उसको संविधान पर भरोसा नहीं था? का हीरो मानते हैं? बिल्कुल 100% ठीक है। लॉरेंस बिश्नोई का हीरो मानते हैं? आप क्या मानते हैं? क्या मानेंगे? सनातनी है, अच्छा आदमी, मतलब सनातनी एक अच्छा आदमी, हाँ, अपराधी नहीं है, गुंडा नहीं है, कोई गुंडा नहीं। कौन गुंडा उसको बोला? कोर्ट बोला है गुंडा है, सरकार बोल रही है गुंडा है, अपराधी है। कहाँ अपराधी है? साबित थोड़े हुआ है, सरकार साबित जब बोलेगी हम भी उसको गुंडा बोलेंगे। कानून के नजर में गुंडा है? कानून के नजर में अभी कुछ नहीं साबित, एक केस में 12 गुम तो बेल हो ले चुका है, 33 गुम 12 गुम बेल है, और जब गुंडा बोलेगी हम भी उसको गुंडा बोलेंगे, अपराधी बोलेंगे, नहीं गुंडा है, नहीं मतलब बोलेंगे। आप लोग हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं? हत्या को बढ़ावा? अच्छा आदमी को, खराब आदमी को थोड़े अच्छा आदमी को मार रहा है वो। अच्छा अच्छा आदमी गलत आदमी नहीं, नहीं अच्छा आदमी, उसको भारत रत्न में, हाँ भारत रत्न लिए हुए थे बाबा सिद्दीकी, फौज में थे बाबा सिद्दीकी, अच्छा आदमी थे वो, हाँ गलत आदमी थे, हाँ गलत। करने सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको हमने पहचानते काहे उसको बोलेंगे, उसको नहीं पहचानते, हाँ सब गलत। मूसा वाले भी गलत है सिंगर, खालिस्तानी है तू? अच्छा हाँ, तो उसको तो और सबसे पहले इसीलिए मारा गया, तब क्या। अच्छा तो ये बताइए कि आप लोग उस गुंडे को आप लोग हीरो बता रहे, किस नजरिए से बता रहे? सनातनी नजरिए से बता रहे। अच्छा मतलब हिंदू है चाहे लगातार मर्डर करते रहो हीरो रहेगा? मर्डर किसका कर रहा है? बढ़िया लोग का कर रहा है तो लग रहा है ना, बढ़िया लोग का मर्डर, आरोप लगने तो नहीं कर रहे, उसी का गैंग ने किया, लेकिन आरोप लग रहा है। आरोप लगने से क्या होगा? अभी आप मेरे ऊपर कोई आरोप लगा देगा, आपके ऊपर आरोप लगा, साबित जब आरोप होगा तब उसको मर्डर कह सकते हैं आप। अभी वैसे कोई मोबाइल है, टिपी 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 कर दिया, हम ही मार दिए उसको, हम ही ये कर दिए, तो उस कहने से थोड़े होता है। पप्पू यादव को आज धमकी मिली है, क्या कहिए? पप्पू यादव को धमकी मिली? पप्पू यादव तो जानबूझ के उड़ता तीर, मतलब पप्पू यादव क्या बोले थे, ट्वीट किए थे, उनके जैसा सांसद पूरे भारत में कोई नहीं है क्या? हिजरों का फौज बता रहे थे, आज क्या हुआ? भाप ससर गुंडा बोले, हाँ दो जगह, इसीलिए भाप का ऐसा सर रहा है, काहे लेटर लिख रहे हैं? लड़िए सुरक्षा में, लड़िए माने लड़ने के लिए वो लिखे थे, ट्वीट किए थे, अब लड़ेंगे नहीं क्या? सुरक्षा का खोज रहे, लड़ेंगे? पप्पू यादव गलती कर दिए, पप्पू यादव बढ़िया काम किए, अब लड़ेंगे वो दोनों, लड़ेंगे दोनों, इसीलिए ट्वीट किया। क्या कहिएगा लॉरेंस बिश्नोई के बारे में? हीरो है, हीरो है, गुंडा नहीं है? ना ना हीरो है, मतलब गुंडा को भी आप लोग हीरो बताते थे, का है जी? कैसे गुंडा भैया, हम तो बता रहे जेल में बंद गुंडा है, उस पर कई केस मुकदमे, 40 मुकदमे हुआ है, सिद्ध नहीं ना हुआ है, दो में सिद्ध हो गया जानकारी, वो गुंडा दो में सिद्ध हुआ है, जानकारी है? जानकारी है ना, जानकारी का अभाव, कुछ भी रहे वो हम लोगों के लिए हीरो है, आप लोग के लिए हीरो है, एकदम हीरो है, क्योंकि वो जो जो देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है उसको वो सुलाता है। यानी करनी सेना का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को मारा गया गोली, वो भी टुकड़े टुकड़े कर रहे थे, जो वो हीरो है हम लोगों के लिए सर, हीरो है, हीरो है एकदम, आपके नजर में हीरो? एकदम मेरे नजर में हीरो है। क्या कहिएगा लॉरेंस बिश्नोई के बारे में? पप्पू यादव को भी धमकी मिली है आपका, पहले तो क्या है आप, जिसका जो काम है वो अपना कर रहा है, लॉरेंस बिश्नोई अपने जगह पे सही है, अपने जगह पर सही है, जो जिस उसका अपना माइंडसेट है वो जस्ट सोचता है वो सही हो सकता है या गलत भी हो सकता है, उसका डिसीजन या तो कोर्ट करेगी या फिर कोई और करेगा, हम क्यों बताएं? वो गुंडा नहीं है, हम क्यों बोलेंगे क्रिमिनल है गुंडा है? आप बताइए, 40 आपराधिक मुकदमे दर्ज है, बोलने का कि हम क्रिमिनल है लॉरेंस बिश्नोई या गुंडा है, बता तो रहे हैं, बोलने का अथॉरिटी किसके पास है? न्यायालय के पास है, तो न्यायालय जाएगा, मुद्दा न्यायालय बोलेगी कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, मुकदमा दर्ज है जिसके ऊपर, और जेल में बैठ कर एक मिनट सुन तो लीजिए, एक मिनट सुन तो लीजिए भैया, एक मिनट सुन तो लीजिए, जेल में बैठा व्यक्ति जब जिम्मेदारी ले लेता है कि हमने इसे मरवाया है, तो वो तो गुंडा ही हुआ ना, क्रिमिनल ही हुआ ना। देखिए हम इस बात को नहीं मानते हैं कि जिम्मेदारी कोई ले लिया, हम भी जिम्मेदारी ले लें कि आपको मार दिए हैं, सच्चाई जब तक क्लियर नहीं आएगा सामने से, ये कहना किसी के लिए भी गलत सही नहीं। हमारे नजर में लॉरेंस बिश्नोई कुछ नहीं है, हमारे नजर में कुछ नहीं, हम न्यूट्रल तरफ से हैं, सिंपल सा बात है कि उसका जो यादव को धमकी मिला, क्यों किसको मिल गया है? पप्पू यादव, पूर्णिया सांसद, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को धमकी मिल गया, उतना हम अभी नहीं जानते हैं कि मिला कि नहीं मिला, होता झूठ बात आप ही बोल रहे होंगे, हमको हम ही बोल रहे हैं, और क्या हो सकता है, कौन सा आपको जानकारी का भी अभाव हो सकता है? बस हाँ हाँ, क्या बोल रहे लॉरेंस बिश्नोई के बारे में? पप्पू यादव जी धमकी दिए हैं
तो एक्शन टू रिएक्शन तो मिलेगा ही। आप इतना बड़े बहुत बड़ा जब आप नेता है तो नेतागिरी वाला काम कीजिएगा कि किसी गुंडा को धमकी देते चलिएगा कि इसको 24 घंटा में दो मतलब टके का लुच्चा है, दिस दैट जो भी कहना है। आप तो क्या मानते हैं, आप गुंडाई कीजिएगा तो उसके विपरीत में तो वो रिएक्शन देगा ही देगा। आप गुंडा का समर्थन करिएगा? बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन नहीं करेंगे तो पप्पू यादव भी जो धमकी दिए हैं उसका भी हम समर्थन नहीं करेंगे। बिल्कुल हाँ, तो यही लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठ करके धमकी दे रहा है वो सही है? बिल्कुल सही नहीं है। कानून का कहीं ना धजिया उड़ रहा है ना? बिल्कुल सही नहीं है। और जो लोग बाहर से बाहर घूम रहे हैं और नेतागिरी कर रहे हैं और ट्विटर पर किसी को धमकी दे रहे हैं ये भी बिल्कुल सही नहीं है। मतलब लॉरेंस में गुंडा है कि नहीं? हाँ, अगर गुंडा नहीं है ये तो न्यायालय तय करेगा। और जेल में वो कैसे है, उसके ऊपर इतना मुकदमा, उसके ऊपर आपराधिक मुकदमे और दो में सिद्ध हो चुका है, गुंडा नहीं है क्या है? तो ये आप बताइए ना क्या है। हम बता तो रहे, हम तो बोल रहे गुंडा है। हाँ तो वो है, तो ये भी कहे जो लोग उनको धमकी दे रहे हैं, कहे कि हम गुंडा है, कहे कि हमारा छवि इस तरह का रहा है। जब आप गुंडा नहीं है, जब आप साफ सुथरा है, दूसरे के ब्याह में दूसरा कोई दूल्हा बन के घूम रहा है, इसका क्या मतलब है? लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के तरफ से पप्पू यादव को भी धमकी मिल गई है। देखिए पप्पू यादव लोकप्रिय सांसद हैं और पूर्णिया के हैं। बिहार में 14 से 15 करोड़ की जनसंख्या है। वो आपदा के घड़ी सारे नेता घर में सोया रहता है, वो नेता घर से बाहर रहता है। अब उसको धमकी मिला है तो गृह विभाग का दायित्व है कि जांच होना चाहिए। कौन लोग किया है, अब कौन किया ये आप कैसे तय कर दीजिएगा? अरे आप लोग अपराध को बढ़ाने वाला गोदी मीडिया, तब गोदी मीडिया सुना ही गुंडा नहीं है। अब कौन गुंडा ये आप तय कीजिएगा, न्यायालय तय करेगा। न्यायालय तय करेगा, बैठा व्यक्ति कैसे जिम्मेदार रह सकता है? गुंडा है तो नहीं है गुंडा? अरे कितना गुंडा अपना TRV बढ़ाने के लिए भी अंजाम देता है कि फलाना को हम गुंडा। अब कौन है क्रिमिनल है तब ना जेल के अंदर है। चलिए तो तमाम लोगों की बातों का आप लोगों सुना। पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में जिस तरीके से लगातार पप्पू यादव को धमकी दे रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई के गैंग, तमाम मुद्दों पर बात करते हुए नजर आ रही थी यहाँ के जनता। और आप लोगों ने इनकी बातों को सुना, इनकी बातों से आप कितने सहमत और असहमत, अपनी प्रतिक्रिया